हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। तो देखिए फ्रेंड्स, मात्र 10 दिन के अंदर में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो कि हमें स्टार से जो मोनेटाइजेशन करने का जो है ऑफर आया है। यहाँ पे देखो कि इनविटेशन से अब आपको स्टार भी मिलता है। पहले ये क्या होता था कि पहले ये बिना इन्विटेशन के ही मिल जाता था, लेकिन अब जो है जैसे कि एड्स ऑन रील्स होता है वो भी आपको इन्विटेशन से मिलता है और स्टार भी आपको इन्विटेशन से ही मिलता है। तो यहाँ पे देखो कि मात्र 7 दिन हुआ है इस पेज को, मैं इस पेज को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लो कि इस पेज का नाम क्या है, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख लो और मैं दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे अगर देखोगे अबाउट में, इसके ट्रांसपेरेंसी में मैं जाता हूँ। और इसका क्रिएशन डेट अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 19 दिसंबर है और इसका जो है इन्विटेशन मिल चुका है वो भी मात्र 10 दिन के अंदर में। आज 19 दिसंबर है और आज जो है ये जो क्रिएशन डेट है 19 दिसंबर और आज का डेट अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो कि 29 दिसंबर है आज, यानी कि मात्र 10 दिन हुए हैं इस पेज को और इसका इनविटेशन हमें मिल चुका है। और 10 दिन के अंदर में भी इसका देखो कि फॉलोवर्स वगैरह भी कंप्लीट होने वाला है। साथ ही इसमें थोड़ा सा वॉच टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं पॉलिसीज जो मैं जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखो कि हमें जो है यहाँ पे एड्स ऑन रील्स का भी ये जो है ऑटोमेटिक रिव्यू हो रहा है। हो सकता है कि हमें एड्स ऑन रील्स भी हमें मिल जाए। यहाँ पे अगर देखोगे तो वी आर करंटली रिव्यूइंग योर पेज एप्लीकेशन टू मोनेटाइज ऑन एड्स ऑन रील्स। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है रिव्यू कर रहा है कि हमें एड्स ऑन रील्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप इन्विटेशन में क्या होता है कि बिना आप अप्लाई किए हुए ही फेसबुक आपका पेज को चेक करते रहता है कि इसको मिलना चाहिए एड्स ऑन रील्स या फिर स्टार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये फेसबुक खुद डिसाइड करता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं मोनेटाइजेशन के ओवरव्यू में ले जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पे पॉलिसी इश्यू भी आपको दिखेगा। ये पॉलिसी इश्यू जो आपको दिख रहा है ये कोई पॉलिसी इश्यू नहीं है, ये वो है कि पेज जब तक आपका 30 दिन जो है ओल्ड नहीं होता है तब तक आप जो है पेज को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये पॉलिसी इश्यू आया हुआ है। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी में जाते हो तो यहाँ पे देखो पॉलिसी इश्यू अगर रहता तो यहाँ पे भी पॉलिसी इश्यू दिखाता, यहाँ पे कोई भी पॉलिसी इश्यू नहीं है। नीचे में पॉलिसी इश्यू हमें दिखा रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे वाला कौन है, नीचे वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन भी जो है अब आपको इनविटेशन से ही मिलता है। यहाँ पे देखो क्रिएट सब्सक्रिप्शन फॉर योर पेज अर्न मनी, इसका कोई भी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये भी इनविटेशन से ही मिलता है। और लाइव वाला जो है लाइव का क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है और इन स्ट्रीम एड का क्राइटेरिया भी आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे इसका क्राइटेरिया भी देखोगे तो थोड़े ही दिन और बच गए हैं, थोड़ा सा और इसमें मैं मेहनत करूँगा तो आराम से जो है इसका क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो पॉलिसी इश्यू में जब आप जाते हो यहाँ पे तब आपको यहाँ पे दिखता है इसका पॉलिसी इश्यू। और यहाँ पे जब स्टार में जाओगे तो स्टार से जो इसका मिला हुआ है हमें, हम इसको एक बार सेटअप करके देखते हैं ये हमारा प्रॉपर काम होता है या नहीं। गेट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर उमेश गुरु इन्वाइटेड टू यूज स्टार, यानी कि हम जो है स्टार को यूज कर सकते हैं, ऑफर हमें करी गई है फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना होता है, वीडियो में आप लोग बने रहे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्टार वगैरह हमें एक भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ से हमें सेटअप वगैरह करना है। तो देखो कि हो सकता है कि फेसबुक अभी अपडेट में है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसा ही मेरा दूसरा पेज में भी यही है कि दूसरा पेज भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया कंप्लीट है लेकिन अभी तक सेटअप का बटन नहीं मिला है। तो देखो यहाँ पे स्टार में तो हमें दिख रहा है लेकिन वहाँ पे हमें जैसे ही यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो देखो कि फेसबुक में कभी कभी क्या होता है कि अपडेट्स वगैरह चल रहे होते हैं तो ही ये प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे मैं एक और पेज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस पेज का भी जो भी है यहाँ पे देखो कि स्टार यहाँ पे हमें दिखा रहा है जो कि पिछले पेज में हमें यहाँ पे स्टार दिख रहा है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टर पे हम क्लिक करते हैं तो ये भी वही हमें ले जाके पहुँचाएगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ तक ले आया हमें, जो कि ये देखो फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा वाला पेज है। अब देखो सेटअप कैसे करना है कि यहाँ पे मैं दूसरा वाला पेज में दिखाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे हम, जो कि फ्रेंड्स पहले वाला जो मैंने पेज दिखाया था ये वाला, ये वो पेज नहीं है, ये हमारा दूसरा पेज है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने जो है दूसरा पेज को यहाँ पे निकाला जो कि यहाँ पे इंस्टाग्राम से भी ये लिंक है। और इसका क्राइटेरिया वगैरह देखोगे तो पिछला पेज में आपने देखा था कि क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे वो उस पेज में कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे भी देखो तो पॉलिसी इशू वगैरह उसमें दिख रहा था लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो क्राइटेरिया नॉट मेट दिख रहा है। लेकिन
अभी तक हमें जो है इस पेज में सेटअप का बटन नहीं मिला है। अब पता नहीं, मैंने जो कहा कि आपको जब फेसबुक अपडेट होता है तो नहीं मिलता है, तो देखो यहाँ पे स्टार में जब आओगे तो यहाँ पे देखो कि ये हमें दिख रहा है, और जबकि ओवरव्यू में भी हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं दूसरा पेज में जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं दूसरा पेज जो अभी दिखा रहा था उमेश गुरु नाम से था, तो देखो फ्रेंड्स मैंने उसी पेज को यहाँ पे फिर से एक बार स्विच कर लिया है। यहाँ पे आप लोग एक बार गौर करके देख लो। अब देखो फ्रेंड्स, जब मैं इस पेज में आता हूँ तो यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड दिखाता है कि पॉलिसी इश्यू है। सी डिटेल्स वगैरह में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें पॉलिसी इश्यू दिखा रहा है। यहाँ पे स्टार में जाता हूँ तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड दिख रहा है। तो अब फ्रेंड्स आपको मेन प्रॉब्लम अभी तक इस वीडियो को देखकर आपने पता नहीं किया। अब देखो कि फ्रेंड्स इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। इसमें मेन प्रॉब्लम है ये कि मैंने जो इसका क्रिएट किया है पेज को 19 दिसंबर को, और इसका जो है 30 डेज ओल्ड नहीं हुआ है ये पेज। यहाँ पे अगर देखोगे तो जब ये 30 डेज ओल्ड हो जाएगा उसके बाद हम इसका सेटअप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सेटअप कैसे करना है मैं दूसरे पेज में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने स्विच किया इस पेज को, तो इस पेज में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे भी शो कर रहा है, और जब यहाँ पे मोनेटाइजेशन के एलिजिबिलिटी में जब जाओगे यहाँ पे जो वहाँ पे भी आपको शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ तो हम सेटअप कर ही सकते हैं अगर हम यहाँ से भी करना चाहे, लेकिन जब आप यहाँ पे भी जाओगे जहाँ से हम इंस्टीमेट को सेटअप करते हैं तो यहाँ से भी आप सेटअप कर पाओगे। यहाँ पे सेटअप कर दिया हुआ है बटन, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एग्री टर्म एंड कंडीशन को आपको कंप्लीट रीडिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सेटअप पे आउट अकाउंट पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे सेटअप पे आउट अकाउंट को सेटअप कर देना जो ऑलरेडी आपने इसी अकाउंट में लगाया होगा अपने बैंक को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे पेज शो कर रहा है कि इसी पेज को आपको करना है। यहाँ पे देखो कि पेपल भी लगा सकते हो, बैंक को भी लगा सकते हो। तो जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट बटन पे जाऊँगा मैं। अब देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे पे आउट अकाउंट अगर आपने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है इस अकाउंट में, तो जैसे ही यहाँ पे इस एरो बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका पे आउट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं है आपके पास पे आउट तो यहाँ से आप पे आउट को जो है क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करते हुए बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी है तो आपको दूसरा नहीं बनाना है, उसी को यहाँ पे एग्जिस्टिंग को ही सेलेक्ट कर देना है। मैं एग्जिस्टिंग को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब नेक्स्ट बटन पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे कुछ अपडेट्स है कि अपडेट पे आउट सेटिंग, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं टू अपडेट योर पे आउट मेथड अकाउंट इन्फॉर्मेशन और एड एडमिन गो टू पे आउट, यहाँ से आप जा सकते हैं एडमिन वगैरह को कुछ चेंज करना चाहते हैं। और उसके बाद सी व्हेन यू विल गेट पेड, जब तक आपके $100 कम्प्लीट नहीं होते हैं तब तक आपका जो है पे आउट आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे डन बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम डन बटन पे क्लिक किए तो एक बार यहाँ पे भी हमें डन बटन पे क्लिक करना होगा। नीचे साइड कोने में यहाँ पे भी आप डन बटन पे क्लिक करो एक बार। जैसे ही डन बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि अब जो है हमारा दोनों ये टर्म एंड कंडीशन भी और सेटअप पे आउट अकाउंट भी दोनों हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख लो। अब देखो कि सबमिट फॉर रिव्यू, जैसे कि इनस्ट्रीम एड में हमें सबमिट करने के लिए भेजते हैं, ठीक उसी तरह से आपको स्टार के लिए भी आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबमिट फॉर रिव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि फ्रेंड्स की जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्टेंटली हमें थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू स्टार्ट अर्निंग मनी विथ स्टार, वी विल रिव्यू योर पेज टू मेक श्योर दैट मीट आवर मोनेटाइजेशन गाइडलाइन, वंस अप्रूव्ड यू कैन इंट्रोड्यूस योर फॉलोअर्स टू स्टार, लेट योर फॉलोअर्स नो दे कैन सपोर्ट यू एंड योर कंटेंट बाय सेंडिंग स्टार। यानी कि आपके जो भी फॉलोअर्स वगैरह है वो आपको स्टार भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक पोस्ट करने के लिए कहा जा रहा है फेसबुक की तरफ से, पीपल कैन सेंड यू स्टार ऑन योर कंटेंट, द मोर कंटेंट यू क्रिएट द मोर अपॉर्चुनिटी टू हैव अर्न स्टार। उसके बाद हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो देखेंगे फ्रेंड्स की अब यहाँ पे ये जो पेज है ये पेज हमारा स्टार से मोनेटाइज हो गया है। अब जब स्टार से हम मोनेटाइज कर लिए तब यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम अपने स्टार को सेटअप वगैरह कर सकते हैं कि कितना स्टार हम लगाना चाहे उतना स्टार हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो अब व्यू टूल आ गया है, लेकिन नीचे में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये इसका जो है सेटअप हमें अभी तक नहीं मिला है इंस्टीमेट वाला। व्यू टूल में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा टूल्स यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि अब जो भी मैं वीडियो को लाइव आऊँगा या फिर मैं वीडियो को पब्लिश करूँगा
तो जो है स्टार का ऑप्शन आएगा उन लोगों को जो मेरे वीडियो को देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ इस पेज को, अगर हम लिंक को कॉपी करके दूसरे पेज में मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा देर और भी वेट करेंगे वीडियो में, तो मैं यहाँ पे देखो कि मैं लिंक को कॉपी करता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने शेयरिंग सेटअप वाले में, यहाँ पे कोई सा भी अकाउंट को हम यहाँ पे खोल लेते हैं और उसमें हम एक बार देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें अकाउंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसमें अकाउंट है। अब देखो कि हम एक बार चेक करते हैं यहाँ पे उस जो है लिंक को पेस्ट करेंगे जो मेरा पेज था, ये दूसरा अकाउंट है। अब देखो कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये आ गया है मेरा पेज। अब यहाँ पे मैं एक बार इस पे वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखो कि स्टार हमें नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे कमेंट में भी मैं जाता हूँ तो यहाँ पे भी हमें स्टार वगैरह नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखो कि स्टार हो सकता है कि अभी तुरंत मैंने इनेबल किया हो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में आपको ज़्यादातर स्टार जो देखने को मिलते हैं मोबाइल फ़ोन में मिलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने स्टार को सेटअप वगैरह कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड और फेसबुक से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और आप लोग भी सभी कमेंट का भी रिप्लाई देता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है कमेंट में हमें कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।